हेलो स्टूडेंट्स, वी विल रीड सेवेंथ चैप्टर ऑफ सिक्स क्लास। ओके, तो अलगू और उसके फ्रेंड के बारे में हम बात कर रहे थे। पार्थ, डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। जैसे दिन बीतते गए, अलगू पे जो दिन है वो मतलब बैड लक चल रहा था उसका। अलगू चौधरी को किस में फंसा हुआ था, एक मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, टाइट स्पॉट मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में था। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक डाइड, जो उसका अच्छा जोड़ा था बुलॉक का वो मर चुका था। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, समझू साहू को उसने बेच दिया था दूसरा, अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कि कार ड्राइवर था विलेज का। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ बुलॉक इन मंथ्स टाइम, कि एक महीने के अंदर जो साहू था उसे क्या है मतलब पैसे देने थे अलगू को। इट सो हैपन दैट द बुलॉक डाइड विद इन अ मंथ, तो क्या हुआ कि जो बुलॉक था वो तो वो क्या है एक मंथ में ही मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलॉक्स डेथ, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट येट पेड, तो फिर अलगू ने याद करवाया साहू को कि उसने एक मंथ से बहुत ज़्यादा मंथ हो बीत चुके थे कि आपने मुझे ना पे करना, मनी पे करनी थी। साहू गॉट वेरी अनॉयड, तो साहू इस पे बड़ा गुस्सा हुआ। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी, वो कहता घटिया जो क्वालिटी के तूने मुझे दिए थे तो मैं उसके लिए तुम्हें एक पैनी भी नहीं दूंगा। ही ब्रोट अस नथिंग बट र्यून, वो कहता है हमारे लिए वो कुछ नहीं लेके आए, बस बर्बादी लेके आए थे। आई हैव बुलॉक, मेरे पास बुलॉक है, यूज़ इट फॉर अ मंथ, वो कहता कि इसे यूज़ कर लो एक मंथ के लिए, एंड देन रिटर्न इट टू मी, और बाद में मुझे लौटा दो। नो मनी फॉर द डेड बुलॉक ही सेड एंगरली, और कहा कि कोई मनी नहीं मिलेगी डेड बुलॉक की। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू ने डिसाइड किया कि ये केस क्या है पंचायत को, पंचायत के सामने रखा जाए। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, सेकेंड टाइम फिर क्या है तैयारियां हुई पंचायत होल्ड करने की। एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, तो दोनों पार्टियों ने लोगों को मिलना स्टार्ट किया उनकी सपोर्ट लेने के लिए। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, सेम जगह पे पंचायत हेल्ड की गई, बुलाई गई। अलगू स्टूड अप एंड सैड, अलगू खड़ा हुआ और बोला द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि जो पंच की वॉइस होती है वो गॉड की वॉइस होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाई हिज डिसीजन, और साहू को क्या है नॉमिनेट चुनने दो हेड पंच और मैं उसका डिसीजन मानूंगा। साहू सा ही चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुमन, तो साहू ने क्या चांस देखा और किसका नाम लिया, जुमन का, उसके फ्रेंड का अलगू के। अलगू हर्ट सैंक, जो अलगू का जो दिल था वो डूब गया। ही टर्न्ड पेल, वो पीला पड़ गया। बट व्हाट कुड ही डू, बट वो कुछ नहीं कर सकता था। द मोमेंट जुमन बिकेम हेड पंच, की जो मोमन है सॉरी जुमन है तो वो हेड पंच बन गया। ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज, तो उसने रियलाइज की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जज के होने के तौर पर, एंड डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और अपनी सम्मान बनाने के लिए। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा कि मुझे अब रिवेंज लेना चाहिए या अपनी मतलब सम्मान के साथ सही बात कहनी चाहिए। नो ही मस्ट नॉट, He must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. उसकी जो personal feelings है वो क्या है मतलब सच बोलने के बीच में जो उसकी personal दुश्मनी थी वो नहीं आनी चाहिए थी justice के मामले में, न्याय के मामले में। Both Algu and Sahu stated their cases, दोनों ने अपने केस सामने रखा। They were cross-examined, उनसे question पूछे गए। And the case was considered deeply, और deeply इस केस को देखा गया। Then Juman stood up and announced, फिर जुमन ने क्या खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया,
इट इज़ आर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलोक, कि ये हमारा ओपिनियन है कि साहू को क्या है पे करना चाहिए अलगू को बुलोक का। वैन साहू बोर द बुलोक इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज, जब साहू ने ये जो बुलोक खरीदे थे तो वो किसी भी उनको तब कोई भी डिजीज नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलोक वॉज अनफॉर्चुनेट, जो डेथ हुई है उसकी वो दुर्भाग्यवश हुई है। बट अलगू कांट बी ब्लेम्ड फॉर इट, इसके लिए अलगू को दोष नहीं दिया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, तो जो अलगू की फीलिंग्स थी वो क्या है, वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ एंड सेड लाउडली, और जोर से बोला, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार बोला, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, वो कहती है पंचायत की जीत है, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, जो भगवान रहते हैं पंचों की आवाज़ में। सून आफ्टर जुमन केम टू अलगी, अलगू जुमन अलगू के पास आया, एम्बेरस्ड हिम एंड सैड, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनमी, कि जब लास्ट पंचायत हुई थी तब से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, तो मैंने आज रियलाइज किया कि पंच का मतलब क्या जिम्मेदारी होती है। अ पंच हैज नो फ्रेंड नोर एनमी, ना तो पंच का कोई दुश्मन होता है ना दोस्त होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, उसे सिर्फ न्याय करना होता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिटी, तो किसी प्रकार का क्या है जस्टिस, न्याय के पथ से क्या है दूर नहीं जाना है, किसी को भी मतलब जस्टिस से दूर नहीं रखना है। ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी, ना ही दुश्मनी के लिए और ना ही फ्रेंड सच्चाई को फ्रेंडशिप के लिए और ना ही दुश्मनी के लिए। अलगू एम्बेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, वो भी क्या बहुत शर्मिंदा हुआ और रोया। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, तो उनके जो आंसू थे उन्होंने सारी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दी थी। दैट्स द चैप्टर, थैंक यू।